सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पोकेमॉन कंपनी ने हाल ही में पोकेमॉन जर्नीज के नए एपिसोड के बारे में हमें एक नया अपडेट दिया है, तो हम आज इस अपडेट के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना बिना स्किप किए, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू माई चैनल, दिस इज़ पोके बूस्टर। और पोकेमॉन के बारे में नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पोकेमॉन कंपनी ने हमें आगे रिलीज़ होने वाले पोकेमॉन जर्नीस के एपिसोड्स के बारे में एक नया अपडेट दिया है, जिनमें कुछ पोकेमॉन्स और ऐश के दोस्तों के रिटर्न्स और बहुत ही नई नई चीज़ें दिखाई गई हैं। ऑफिशियल अपडेट के अनुसार हमें दिखाया गया है कि ऐश और गो प्रोफेसर ओक से मिलेगा। तो जाहिर है ऐश अपने पुराने पोकेमॉन से प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में ज़रूर मिलेगा। और ऑफिशियल अपडेट में ये भी लिखा था कि उनमें से कोई एक पोकेमॉन ऐश के साथ बैटल में दिखाया जाएगा, मतलब उन पोकेमॉन में से कोई एक पोकेमॉन ऐश अपने साथ वापस लाएगा और वो ऐश के साथ बैटल खेलेगा। तो भाई, अब बहुत लोग ही बोलेंगे कि ग्रेनिंजा रिटर्न होने वाला है, ग्रेनिंजा रिटर्न होने वाला है, पर मेरे बात मानिए, ग्रेनिंजा के रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम है और मुझे नहीं लगता ये कभी रिटर्न होगा। मेरी बात मानिए, अगर कोई पोकेमॉन रिटर्न हो सकता है तो वो है इन्फर्नेप, क्योंकि भाई हमें ट्रेलर में, जो ऑफिशियल ट्रेलर था, उसमें साफ साफ दिखा दिया गया है, उसमें दिखाया गया था कि ऐश का इन्फर्नेप मॉल्ट्रेस के साथ बैटल कर रहा है। तो भाई, अगर कोई रिटर्न है, मतलब कोई रिटर्न होगा, तो वो इन्फर्नेप ही होगा, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट्स के अनुसार यही कहा गया है। तो भाई, अब मैं आ सकता हूँ दोस्तों के बारे में। अगर दोस्तों की बात कहा जाए, तो जो दोस्त रिटर्न होंगे वो हमें ट्रेलर में दिखा दिया गया है, तो वो दोस्त है गैरी और आयरिस। यार, मुझे जहाँ तक पता चला है कि बैटल होने वाला है गैरी के इलेक्ट्रीवायर और गो के सिंडोरस के बीच। तो भाई, बैटल तो एकदम घमासान होने वाली है, तो मैं तो देखूँगा ज़रूर। और हाँ यार, एक चीज़ अगर तुम लोगों ने नोटिस किया, तो यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ ऐश और आयरिस दोनों के पास ही ड्रैगनाइट है, तो हमें शायद यहाँ पे दोनों ड्रैगनाइट्स का ही बैटल देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो घमासान बैटल होगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन जीतेगा। भाई, एक और नोटिस करने की चीज़ है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ऐश और आयरिस बैटल करें, और हम अगर पोकेमॉन जर्नीस को एकदम फर्स्ट से देखें, तो यहाँ पे एक लीक होने वाला है गलर में, जिसमें ऐश तो क्या मतलब कोई भी हिस्सा ले सकता है। यहाँ तक कि हमें देखने को मिला है कि गैला रीजन के 2-4 जिम लीडर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो भाई इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। और बस इसमें रैंकिंग होता है, तो इसमें भाई तुम्हारा वो बैजेस या फिर सिंबल्स उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर ऐसा ही चलता, तो क्योंकि यार इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, तो हो सकता है कि सरीना भी इसमें हिस्सा ले ले, जिसकी वजह से उसे गलार आना पड़ सकता है, तो वहाँ पे ऐश के साथ उसकी मुलाकात हो सकती है, तो हमें सरीना रिटर्न देखने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो भाई, सरीना रिटर्न आने के चांसेस अब बहुत बढ़ चुके हैं। तो अब मैं आना चाहूँगा नए नए पोकेमॉन्स की ओर, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। तो क्या क्या नए पोकेमॉन आ सकते हैं, क्या क्या नया हो सकता है, तो बताता हूँ। तो गाइस, एक सीन में हम सबको देखने को मिलता है, इस बर्फीले पहाड़ में ऐश और उसके दोस्त मतलब गो जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है इस पोकेमॉन से। इसका नाम है उर्शिफू, ये कुफू का इवॉल्व फॉर्म है। हमने इसे स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम में बहुत बार देखा है, तो ये बहुत ताकतवर है। सुना तो है कि यह लेजेंडरी पोकेमॉन है, पर हमें यहाँ पे उर्शिफू के ट्रेनर से भी मिलाया जाता है। हाँ, ऑफिशियल ट्रेलर के एक सीन में दिखाया गया था कि म्यूटू मेरा मतलब म्यू के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो शायद वो प्रोजेक्ट किसी बुरे काम पे चल रहा होगा, क्योंकि अगर कोई बुरे काम पे वो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, तो मुझे यकीन है ऐश और गो उसका मतलब उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे और म्यू को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत चांसेस है कि गो म्यू को पकड़ सके, क्योंकि वो हमेशा से ही एक तो म्यू को पकड़ना चाहता था, ऊपर से बहुत सारे लोग जो म्यू को फंसाना चाहता है, मतलब उसके साथ बुरे काम करना चाहता है, उन्हें हम अरेस्ट होते भी देख सकते हैं। और गो को भी शायद मदद के बदले म्यू शायद उसका पोकेमॉन बनने को तैयार हो सकता है। तो भाई, कुछ भी हो सकता है, तो हमें आगे आने वाले जर्नीज के एपिसोड को देखना होगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और मेरे अपडेट्स जो मैं छोड़ता रहूँगा, उन अपडेट्स को पाने के लिए मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।